जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक जम्मू एंड कश्मीर डाक विभाग भर्ती 2021 के बारे में, और साथ ही आपको GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म कैसे भरना है इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंदर दी जाएगी। इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए और कोई सवाल कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको कोई भी जानकारी देने से पहले यह भी बता दूं कि अगर आपने एपी पोस्ट यानी कि इंडिया पोस्ट की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके किसी भी स्टेट में अप्लाई किया है और आप लोग जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई करना चाहते हैं बट वहां पर आपका नाम मोबाइल नंबर मैच हो जाता है, तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको उस जानकारी को रिकवर करना है और फिर दोबारा से अप्लाई करना है, जो कि अप्लाई करना पॉसिबल है। तो चलिए जानते हैं। तो यहां पर पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पहले नंबर को रिकवर करना है, और फिर बताऊंगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहां पर आप देखेंगे कि ग्रामीण डाक सेवा की पोस्ट है। इसमें तीन कैटेगरी की पोस्ट होती है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की। इसके अलावा यहां पर आपको जो सैलरी दी जाती है वो BPM की कैटेगरी पर 4 घंटे के लिए 12,000 रुपए और 5 घंटे के लिए 14,500 रुपए, डाक सेवक ABPM की पोस्ट पर 4 घंटे के लिए 10,000 और 5 घंटे के लिए 12,000 रुपए दिए जाते हैं। एज लिमिट यहां पर आपकी 18 से 40 साल के बीच रखी है, जो कि 30 सितंबर 2021 तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपसे अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है, बट ध्यान दीजिए कि 10वीं के अंदर आपके पास इंग्लिश और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, साथ ही जो जम्मू एंड कश्मीर की लोकल लैंग्वेज है उसका सब्जेक्ट भी वन ऑफ सब्जेक्ट 10th में आपके पास होना चाहिए। तो यहां पर आपको 2 पॉइंट के अंदर बोला कि कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, तो जम्मू एंड कश्मीर की जो लोकल लैंग्वेज है वो आप यहां पर देख लीजिए, ये है आपकी उर्दू या फिर हिंदी। यानी कि 10वीं के अंदर अगर आपने वन ऑफ सब्जेक्ट उर्दू या फिर हिंदी पढ़ी है तो चाहे आप किसी भी स्टेट से है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में आपको यहां पर यह बोला है कि अगर आपके पास 60 डेज का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, बट यहां पर अगर आपके पास 60 डेज का कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है और आपने 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ा है या फिर 12वीं के अंदर पढ़ा है या फिर किसी और हायर क्वालिफिकेशन में पढ़ा है तो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, चाहे अब आपके पास जो 60 डेज का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो है या फिर नहीं है। तो यहां पर आपने ये जानकारी जानी। अप्लाई इसमें करने के लिए आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी है, जनरल OBC को और SC ST को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये जानकारी आपने जान ली है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर मैं पहले उनके लिए बात करूंगा जो लोग इसमें अन्य स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि जहां जहां पर भी स्टेट में हिंदी बोली जाती है और उनकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है और उन्होंने हिंदी 10वीं के अंदर भी पढ़ी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे आपको, अगर आप पहले किसी स्टेट में अप्लाई किए हो और दोबारा इसमें अप्लाई करना चाहते हैं कैसे करना है वो आप देख लीजिए। आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको दिया है फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर PID, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर वही एग्जैक्ट नेम भरना है जो कि आपने पहले फॉर्म भरते समय भरा था। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी सिलेक्ट करनी है और कौन सा ईयर ऑफ पासिंग आपने 10th क्लास का सिलेक्ट किया था वो यहां पर आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जानकारी आ जाएगी। मैंने यहां पर काफी सारे फॉर्म भरे हैं क्योंकि मैं वीडियो बनाता रहता हूं सभी डाक विभाग जो स्टेट वाइज निकलती है उसकी, तो यहां पर देख सकते हैं कि मेरे इस डिटेल के ऊपर इतने सारे फॉर्म रजिस्टर्ड है और यहां पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इसी प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लेना है। तो चलिए मैं इस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहां से कॉपी करता हूं और फिर आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना होगा। अभी अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो पहले अप्लाई कर चुके हैं और जो अभी करने वाले हैं उनका प्रोसेस एक जैसा रहेगा, बट अभी मैं आपको उन कैंडिडेट के बारे में जानकारी दे दूं जो कि फर्स्ट टाइम इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो उनको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आपका नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार यहां पर भरना है, फिर आपको फादर नेम भी 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, आधार नंबर देना चाहते तो दे सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप खाली छोड़
सकते हैं। ईमेल आईडी यहां पर एंटर करनी है, डेट ऑफ बर्थ आपको आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप ट्रांसजेंडर है तो आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। कास्ट कम्युनिटी आपकी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आप विकलांग है, तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपसे पूछा कि आपने 10th कौन से सर्कल से पास की है, चाहे आप जम्मू एंड कश्मीर से है या नहीं है। वो तो अगर जम्मू एंड कश्मीर से है तो ऑब्वियसली आप जम्मू एंड कश्मीर ही सिलेक्ट करेंगे, बट अगर आप अन्य स्टेट से है तो आप अपनी उसी स्टेट को सिलेक्ट कीजिए जहां से आपने 10th पास की है। इसके बाद क्या आप साइकिल चला सकते हो, अगर आपको साइकिल नहीं आती, मोटरसाइकिल स्कूटी आती है तब भी आप यहां पर यस करें क्योंकि ये कंपलसरी है। इसके बाद वेदर एम्प्लॉयड, क्या आप फिलहाल कोई काम कर रहे हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपसे पूछा कि एनओसी, एनओसी होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आपको वहां से मिलता है जहां पर आप अभी फिलहाल काम कर रहे हो। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि उस कंपनी या फिर उस डिपार्टमेंट को कोई भी आपत्ति नहीं है आपके इस फॉर्म को भरने से। इसके बाद आपको क्या करना है, कैप्चा कोड फिलअप करना है, यहाँ पर दोनों पर टिक करना है, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके सामने आपका जो फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको यहाँ पर फिर से होम पेज पर आना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन SC ST OBC से भरा है, सॉरी जनरल OBC से भरा है या EWS से, तो आपको स्टेज 2 के ऊपर आकर के फीस को जमा करनी है। तो आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर यहां पर दोस्तों आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आप यहां पर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल नंबर, नेम, कम्युनिटी फीस का अमाउंट फैच कर लिया जाएगा और आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करके दिए गए ऑप्शन में से, जो कि नेट बैंकिंग का होगा, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड होगा, इनके माध्यम से फीस जमा कर देनी है। फिर आपको यहां पर आना है स्टेज 3 पर और आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अब अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आएगा, यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, सर्कल यहां से सिलेक्ट कर लेना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहां पर जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उसके ऊपर OTP जाएगा, वो OTP डालना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको अपनी एड्रेस की जानकारी भरनी है, डोर, हाउस, अपार्टमेंट नंबर जो भी एप्लीकेबल होता है वो यहां पर लिख दीजिए, स्ट्रीट का नाम दे दीजिए, अपने पास की सिटी, विलेज का नाम यहां पर भर दीजिए, पंचायत, मंडल, डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो यहां पर लिख दीजिए और अपना पिन कोड डाल देना है। इस तरह पे परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहां पर आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आना है, यहां पर आपसे पूछा है कि आपने कौन से सर्कल से 10th पास किया हो, तो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है, मैंने हिमाचल प्रदेश यहां पर सेलेक्ट किया हो क्योंकि मेरा पहला रजिस्टर्ड है। इसके बाद है यहां पर सिलेक्ट बोर्ड, आपने किस बोर्ड से किया है, यहां पर जो भी ऑप्शन है इनमें से जो भी आपका बोर्ड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपके नंबर किसके अंदर थे, तो यहां से मैं मार्क्स सिलेक्ट कर लिया हूं। अब आपको ये जो 10th आपके पास 10वीं है उसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, इसलिए यहां पर दिए गए हैं। तो आपको इंग्लिश के अंदर कितने नंबर आए थे वो लिखना है, हिंदी में कितने आए थे वो यहां पर डालना है, मैथमेटिक्स में कितने आए थे 100 में से वो लिखना है, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी में कितने आए थे ये डालना है, साइंस में आपके कितने नंबर थे वो आपको लिखना है और जो भी आपका 6ठा सब्जेक्ट है वो यहां पर लिख करके उसके नंबर भी आपको डाल देने हैं। फिर आपको नीचे आना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ये जानकारी सेव हो जाएगी। अब यहां पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 50 KB से कम होना चाहिए, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपका फोटो है, मैं एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूं, इसको अपलोड कर देता हूं। अब आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर का साइज आपका 20 KB से कम रहना चाहिए, तो यहां से मैं इसको अपलोड कर देता हूं। अब आता है 10th क्लास पास्ट मार्कशीट, यहां पर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, तो जहां पर भी आपकी 10th की मार्कशीट है जो आपने स्कैन की वो आपको यहां पर अपलोड कर देनी है। अब आता है अपलोड सप्लीमेंट्री मार्क्स मेमो फर्स्ट, अगर आपने 10वीं 1 से ज्यादा अटेम्प्ट के अंदर पास किया तो जो आपकी सेकंड मार्कशीट आई होगी वो आपको यहां पर अपलोड करनी है। अगर आपने 2 अटेम्प्ट के अंदर की है तो आपको यहां पर आपकी दूसरी मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आपने पहले अटेम्प्ट के अंदर 10वीं कर ली थी तो आपको यहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है अपलोड कंप्यूटर सर्टिफिकेट, अब अगर आपके पास 60 डेज का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो यहां पर अपलोड कर दीजिए। अगर वो नहीं है और 10वीं 12वीं या कोई ग्रेजुएशन की आपकी कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन है जिसमें कंप्यूटर रिलेटेड कोई
सब्जेक्ट था, तो वो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए कि हाँ इसके अंदर मेरे पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट था या कंप्यूटर सब्जेक्ट था, तो इससे आपका प्रूफ हो जाएगा। आपको ये सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने के बाद नीचे डिक्लेरेशन पर टिक करना है, और टिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब ये करने के बाद आपके सामने आता है अपलोड डॉक्यूमेंट। अगर आप इस फॉर्म को SC ST EWS से भर रहे हो तो यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर इन दोनों के ऊपर टिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों फाइनली आपके सामने जो आपकी प्रेफरेंसेस है पोस्ट ऑफिस की, इसका ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको सिलेक्ट करना है कि पहली डिवीजन आप कौन सी जगह को देना चाहते हैं, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके अंदर कौन से पोस्ट ऑफिस को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है। सेम वे में आपको यहाँ पर सेकेंड आपका डिवीजन सिलेक्ट करना है, फिर उसके पोस्ट ऑफिस को, थर्ड डिवीजन एंड फिर पोस्ट ऑफिस। इसके साथ ही आपको यहाँ पर पांचों डिवीजन एंड पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करके सेव एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। आपको यहाँ पर नीचे आकर के प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेना है। इसी प्रकार से आप लोग जम्मू एंड कश्मीर पोस्ट ऑफिस GDS ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाएंगे, जहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।